अस्सलाम वालेकुम, मैं हाँ तारिक मलिक ते तुसी देखते पे हो रचनावी टीवी टू। रचनावी टीवी टू दे विच आज फिर हमेशा दी तरह एक बड़े अच्छे एक्टर, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, बहुत बड़ा नाम मौला बख्श साहब साडे नाल मौजूद ने। अज मैं इन्हां नाल ताडी परसनल लाइफ ते गलबात करवावांगा। आओ मिलने आ मौला बख्श नाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, शुक्र है अल्लाह पाक दे, ठीक ठाक। तुसी सुनाओ, सब खैरियत है जी? हां जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, तुसी टाइम कढ़िया। तुसी बड़े बड़े एक्टर हो, हजातियां उन्हें की नाम थोड़ा माशाल्लाह मौला बख्शा ते बड़ी गल है कि तुसी टाइम काट के आए ने। ते आज तुसी मैनू ये सब तो पहले तो दसो कि मौला बख्श ही हो ना कि कोई होर हो, जिस तरह सुगरी ते आकाशा निकल आई ते माई साबरा जेडी उन्हां दा नाम सकीना बीबी है। तुसी भी दसो कि थोड़ा असल नाम मौला बख्श है या कोई होर नाम है? ए जी खाता थोड़ा लम्मा चौड़ा जिहा है। लेकिन मेरे दिल जी आस मुराद पूरी हो गई। किस तरीके हो गई? लेकिन की है, पोतरा इको डीजा हो तो डीजा कोई नहीं, लेकिन अब कुछ उस्ताद मेरे ख्वाहिश पूरी कर दी, ना मौला बाश की भी चल गया ते अल्लाह बाश की भी चल गया। हुण दिल तो मैं रांझा राजी होया, चास बन गई। मेला जा कुत्ते सारे बेली सज्जन कठे होंगे रौनक लगदिया, जब दुनिया दर्द काम वैसे मुकदे ही नहीं, सिर्फ जेड़े मेला होंगे ना चार दिहाड़े रौनक आदि, हर बंदे मुंह खुशियां, हर बंदा नवी चादर बन के पैरे खुशे पाते उत्ते जनाब सोनिया लुंगियां करके टोर करके जाते पे होंगे, यकीन कर चस आ जाती है। मेरा दादा भी शौकीन आता हर मेले से, उत्थे जेड़े फनकार आवने एक्टर आवने उन्होंने मिलना उस जरा दिल शौक जो खीवे ते घरे तक जी फलाने गुलूकार आए गल की आए दौड़ आख्या, यकीन कर लो चस आ गई। एक दोस्ती भी आते बेले भी आ, शायद तुसी सुने हो सी अपना मौला बख्श दा ठेठा र अल्लाह बख्श दा ठेठा। मैं थोड़े गए हो ना, ते मेरे दादे दिल च ख्वाहिश पैदा हो गई, क्योंकि जेड़ा ना मौला बख्श बड़ी सोहनी सोहनी गल करदा ते चंगियां गल्लां करनियां, ते उत्थे मेरे दादा कहे मैं आदे जेड़ा ना पोतरे दा नाम मौला बख्श रखना। अल्लाह बख्श भाई लड़ी जा भी आ उत्तों मौला बख्श ना आ सकिया, मुड़ ना के भी हम ना रखो इंदा उस्ताद मलक महबूब साहब ने आके भी इंदा ना रखो मौला बख्श। मैं ठीक हो गया, उत्तों भी खाता कट रो मौला बख्श का। मौला बख्श मैं यह दसो कि पिंड के या शहर के रहशी हो तुसी? गल तो हूँ की थी ना पते दी है जी, मेरा पिंड 233 रसूलपुर बलोचा वाला गुगो मंडी के नाल, उत्थे मैं जमया पलिया उथाई। उस तो बाद जो मैं इस फील्ड च आया फिर मैं जनाब घर बना लिया बूरे शहर के, जिला बिहाड़ी तहसील बूरे वाला, बूरे वाले शहर मेरी रहायश है। अच्छा, बेसिक तुसी पिंड दे रहायशी हो? हाँ जी पिंड दे रहायशी। जमीन जायदाद भी होगी फिर? हाँ जी माशाल्लाह साड़ी अपनी जाती 9 किलो जमीन है, तो बाकी अपने काम है ठेके का, 110 अगले ठेका अपना, तो जिमीदारा भी तो उस बाद शौकीन हाल। वाह वाह, ते किवें टाइम पूरा कर लैंदे हो तुसी, मतलब रचनावी वास्ते भी अपने फैंस वास्ते भी, घर नूं भी टाइम दिंदे होवोगे, बच्चियां नूं भी, और दसदे पे हो के बड़ा माशाल्लाह वसी जिम्मेदारा है ताडा। हां जी हां जी, खिलारा दा दात निकली पई बिरा, टाइम भी पूरा करिंदा है भाई। दा आदे छोटा गोंदी अपने रचनावी टीवी दी, दा आदे मोड़ा अपने दुए जगह दी छोटा गो गई, ते मगर बाद के दा दिहाड़े ओ दा दिहाड़े जिम्मेदार च अपना टाइम लाना। वाह, उदला काम भी संभालना है, बिरादरी है इसको मरना परना हो जाए उदे मौला बख्श लाजमी जावना, इदे भी आवना। ते मां बाप ताडे हयात ने?
वाले साहब मेरे फौत हुए 12 साल हो गए ते वालदा है। अच्छा वालदा है। हां जी यानी जिम्मेदारियां भी कर लिया था बड़े बंदे ने तोड़े थे जिम्मेदारियां भी है। जी जी। अच्छा मौला बख्श मैनू ए दसो कि तुसी दस रहे हो कि माशाल्लाह जिम्मेदारा भी है और घर दी जिम्मेदारियां भी ने। हां जी। इसके बावजूद तुसी एडे अच्छे एक्टर और एने फेमस एक्टर बन गए हो, कितों शौक लग्या तन्नू? ये शौक इस तरीके लग्या जी, मैं छोटा जिहा सुत मेले वेखने, उहा गल पुरानी आ गई, मेलियां ते जावणा उत्थे खाड़े वेखने ते गुलूकार वेखने ते उत्थे जिहड़े ठे ठे ड्रामे वेखने ते दिल विच शौक उठींदा गया। उस तों हर तमण फिल्मां वेखनी शुरू कर दित्तियां, अपने माशा पाकिस्तान दे सुल्तान राई साहब हाजी साहब उहनां दी फिल्मां वेखियां, शान दी फिल्मां वेखियां, ते लेकिन दिल दे विच उहनां उबार उठी मैं कदी मां वी एक्टर बन जावां ते चास बन जावे। लेकिन इस तरीके फिर हौलर शौक पैदा होंदा 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 ते इस नतीजे च आण पहुंचया, फिर चनावी टीवी दे मोढे च आण पाया। उत्थे मेरे गए उस्ताद महबूब साहब, उन्हें उत्थे मेरे कोल काम करवाया ते उन्होंने मेरा काम पसंद आया, उन्हें पुत्र तो एक्टर बन सकना लेकिन मेहनत कर, फिर दे रात जुड़ गए भाई। यानी रचनावी तो पहले भी तुसी किधरे को काम कीता? ना ना ना, स्टार्ट रचनावी टीवी दे लिया। अच्छा स्टार्ट यानी शोबज लाइन दे विच, शोबज दी दुनिया दे विच तुसी इन होए हो ते रचनावी टीवी ते? हां जी रचनावी टीवी ते। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गल्ल है। की इनकम है, मतलब किन्ना कमा लैंदे हो? अल्लाह दा शुक्र है जी, 1.5-2 लाख हो जांदा महीने दा। हां जी। अच्छा भाई मौला बख्श मैनू ए दसो कि किन्ना पढ़े हो, तालीम किन्नी है तक जी? कूर्त मई तो वैदा नहीं जी। अच्छा हेक दिमाग ही कोई नहीं पढ़े? अच्छा पढ़े नहीं? नहीं। चलो बड़ी गल है कि पढ़े भी नहीं हो फिर इसके बावजूद इतनी फैन फॉलोइंग है तुहाडी। जी जी। मौला बख्श भाई मैनू ए दसो कि रचनावी टीवी ते काम करदे हो, किस एक्टर या एक्ट्रेस दे नाल काम करके तुहानू ज्यादा अच्छा? अच्छा तो लगे सारिया नाल, लेकिन कणी जी चास बनती है जिस टाइम, जिस टाइम रमजी ते मेरा पेचा पाउंदा ना उस टाइम मेरा काम पटींदा सही ते चास भी आंदी काम करान दी। उस तों बाद माशाल्लाह बड़े अच्छे एक्टर ने, सुगरी है, अम्मा साबरा है, जट्टी है, गफार ठाकर साहब हैं ते होर माशाल्लाह काफी हैं, लेकिन जिहड़ी चास आंदी है रचनावी टीवी ते ओह किसे पासे नहीं। इसने चैनल तो हट के मैं होरना चैनल ते फिर बाद बड़ा काम किया, बाद चैनल ते पीपी टीवी ते एएन टीवी ते सनम टीवी ते, उस तों बाद फिर जिहड़ा ना जिहड़ी घणी चास है डायरेक्शन दी ते एक्टिंग दी करन दी, लेकिन इत्थे रचनावी पिछ सारी खतम। रचनावी तो पिछे सारी खतम। ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਕੈਸੇ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਈ ਸਾਬਰਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਢੇਰ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਰ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੋ ਨਸੀਹਤ ਟਾਕਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਸ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੱਸਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਿਆੜੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਬਣਾ, ਉਹ ਚਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੰਮਾ ਸਾਬਰਾ ਹੈ, ਸੁਗਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਉੱਠਿੰਦੇ। ਹੋਲਮਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਚਨਾਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ? ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਆਏ, ਅਸਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਰ ਦਾਗ ਚਾਵਣ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਮੁੜ ਦੱਸੋ ਨਾ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਲਾਗ ਮੈਨੂੰ ਅੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲ ਪਾਵਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੜੀ ਜਾਵਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਕੈਮਰੇ ਚਾਤ ਭਰਾ ਮਰਿੰਦੇ, ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਧਰ ਰਮਜੀ ਖਲਾ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਖਲਾ, ਇੱਧਰ ਸੁਗਰੀ ਖਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੂਲੀ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਲਾਗ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ,
तीन बारी भूल गया ना उस टाइम जी मैनू ओदो पता लगे जिस टाइम मूली मैनू आए छुट्टी है इतने मैनू लगी तू हार्ट चरम दिन मूह तू तो छुट्टी है मूली थले डेग भी दुस्ताल उद मुड़ किला पट्टी था हाँ पुत्र बोलना है कि नहीं बोलना मैं उस्ताद जी किला रख चाहिए था ही थोड़ा डायलॉग सिद्धा हो गया दस्य हो गई तो आज फिर दस्य मैं तो फरा फर बोलिया उस पिछे मोड़ नहीं अड़े हैं यानी उस्ताद का इन्ना प्रेशर होंगे हाँ जी उस्ताद इन्ना प्रेशर अच्छा उस्ताद का प्रेशर होंगे उस्ताद अगर तू कह दे बोला बख्श चुके तुम दस चुके कोई बलोच हो जी जी उठा ताड़ी शान ने हाँ जी उस्ताद की तरफों तू अगर क्या जावे कि तुसी क्लीन शेव करवा के करैक्टर करना जी जी ते की करोगे असे अगर उस्ताद जी ये तो गल ही काई नहीं मैं उस्ताद उस्ताद ना कहना भाई मुझे मना दे ते मेरी जान की कुर्बान मुझे तो शाही कोई है मैं तो कहना उस तरह भजा ले हुण लाओ इन्हां नूं ये जेड़ा अक्सर औकात रमजी नाई का करैक्टर करदा जी जी ते जे रमजी ही ताड़ियां मुछा लावे तो लवा लोगे उस्ताद दा हुक्म होवेगा तो मुछा मैं लावांगा क्योंकि करैक्टर करना जो ही करैक्टर आएगा ना मैं कदी ना की बहुत अच्छी गल अच्छा एक्टर बनने वास्ते उस्ताद की कदर करना बहुत जरूरी होंगे जेड़ा कि मौला बख्श दस रहे ने कि उस्ताद जो कहणगे इंशाल्लाह मैं ओदे नाल उस गल नाल फुल कोऑपरेट करांगा बड़ी अच्छी गल है मौला बख्श भाई तुहाडे फैन जी जी कोई शक नहीं कि लखां करोड़ां की तादाद च तुहाडे फैन ने बिल्कुल फैंस कभी मिले होने तुम राह चल दिया होया कोई ऐसा वाकया कि किसी फैन ने मुड़ू हयातियां हयातियां कर दिया चा लिया हयातियां की गल ही ना पुछ निके निके बाल वधन बाजारा भी टुरे जनाब हो भी फेक दुआ हयाती हो गई तो यकीन कर जा हेक देना साढ़े महल हकीकत वाक्य है साढ़े महल ना माइया को चार पांच कट्ठियों साढ़े घरे आ गई हाँ जी पोत्र मौला बश का की हाल है मैं जी शुक्र है लग ठीक ठाक दुआवा अस तो गुलामा दे बनाइया बैठिया मैं खैर था आखिर जो है ना साढ़े बाल है वो आखिर जो आते स्कूल ले मिस सनवा दे मैं सही आती हो वे सबक सुन लो है तो मैं से सानू गुलामा दी भई ये बच्चे की आख दे ने पढ़ी तो पता नहीं खाई जाती के नवा दे मैं खाई जाती लफज को माड़ा नहीं है इन मैं ये मतलब है कि अल्लाह पाक तेरी जिंदगी करे अल्लाह पाक तेरी लंबी उम्र करे ते जिहड़े फैन माशाल्लाह जिथे चले जाने हैं जिवें मक्खियां नहीं गुड़ तक कट्ठियां हो जांदियां अहीं आ जांदे ने ए अल्लाह पाक दी बड़ी मेहरबानी ते उस्तादां दी दुआ है अज अस मकाम ते आए ते उस्तादां दी दुआ नाल आए अगे की प्लान है तुहाडा अगे दा कोई वड्डी फिल्म करना चाहुंदे हो जी जी बिलकुल प्लान ते बणिया पिया अच्छा फिल्म भी लिखी पई है सिर्फ अकुटाया मैं लभदा पिया मौला बख्श नूं क्योंकि घर गर्मी दूर कड्डी खली है अगर सर्दी शुरू हो जाए तो अल्लाह खैर सुख रखे फिल्म बनी सा है तो फिल्म हम वेखण वाली उसी फैमिली च पाए थे जी भी अपने ड्रामे फैमिली बह दी पाई अच्छा इसे टीम के नाल बनाना इसे टीम के नाल अच्छा हाँ जी यानी बड़ी टीम दे विच नहीं किसे नु लोग नहीं नहीं यही अपनी टीम रचनावी दी टीम जी डायरेक्टर है महबूब मलिक होंगे बिल्कुल मलिक महबूब साहब अच्छा ताड़ी फिल्म तैयार है हाँ जी फिल्म तैयार लिखी पई है तो तुसी अनकरीब उन्हों शूट करो हाँ जी क्योंकि ठंडी मीठी मौसम हो जाए ना हुण तो गर्मी हो रही अख चोली थली फैंस नु कोई पैगाम देना चाहोगे तुसे हाँ जी पैगाम देना चाहवांगे नानू ते मां प्यो दी कदर कीती करो ते बाकी जेड़े ना आए दुए काम आए कूड़ मारां ते बेईमानियां करनियां ते इहदे चुगलखोरियां करनियां ए काम गंदा है जेड़ा बंदा चुगल खोर होवे ओंदी अगले जाने बारे ढोई काईनी उत्ते यकीन कर जे फोड़िया ना कुटीसन बंदा हक हलाल दी खावे थोड़ी खा ले ईमानदारी ना बंदा रवे ते आ कूड़ कप्पे ना मारे करे मां दी खिदमत कीती करन आज जो कुछ है उस्ताद दे दुआवां नाल ते मां दे दुआवां नाल मौला बख्श इत्थे बैठा तुहाडी वालदा भी देखदे ने ड्रामे बिलकुल अच्छा मेरे निक्के निक्के बच्चे दो जनाब चा भी घंटे बैठने को टीवी दे माशा जी मेरे पांच बच्चे हैं ते पंजे बच्चे स्कूल पढ़ते पे पढ़ते पे जी एक छेवी एच एक सतवी एच ए दुए पता नहीं कितवी एच ए जो निक्का बच्चा है वह कच्ची एच
अच्छा मौला बख्श मोड़ कच्ची आले तुम आख्या तो होना कदी के मेरे नु शूट से नाल ला चलो कदी जिद नहीं की बच्चा मैं ना जेर दल दे भाई अखीर कर देंदा ओ तो गड्डी जवार जा सिया निकलदा ही नहीं मैं नाल ला चा मैं जाना है रवार ते चिकाट और मसे मां फत ला जांदी है ते दुमिया दी मां ते जेड़ी उनां नु छांग दी चिकाट है दुमिया दी मां के ना तेरा पला करे मेरी दो शादी होई होई ना बिरावा अच्छा दो शादियां ने हां जी अच्छा दो शादियां मतलब तुसी कीतियां ने हां जी महसूस कर दे बच्चे मां मां ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਗਏ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋ ਚਾਚੇ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਵੱਡੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਝੂਠੀ ਜੀ ਨਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਭਾਈ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਫੈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਜਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਪਰਲਾ ਕਾਲ ਤੜ ਪੇੜ ਦੇਖੀ ਨਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੈਠਾ ਕਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾ ਠੋਰ ਵੀ ਲਿਸਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀ ਗੱਤੀ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ 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 ਬਾਇਆ ਜੇ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਖੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਆਹਾ ਮਾਤ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਸਾਂ ਕਰਾਈ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਾ ਸੰਦੀਲਾ ਹਾਏ 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 ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਚੱਸ ਕਰਾ ਦੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਦੇ ਨੇ ਭਈਆ ਝੂਠ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਰੰਗਾਂ ਐਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਫਕੀਰ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੈਦਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ